नमस्कार दोस्तों, और इसी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं क्लास एट का मैथ अध्याय पांच वर्ग और वर्गमूल प्रश्नावली 5.1 क्वेश्चन नंबर 7 है। पुस्तक में सही संख्या लिखें। 7 का ये क्वेश्चन है 24^2 - 23^2 = कितना होगा। दो नंबर में है 102^2 - 101^2 = कितना होगा। सी नंबर में है 501^2 - 500^2 = कितना होगा। डी में है 400^2 - 399^2 = कितना होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 का ये देखते हैं, यानी किसी भी संख्या 24^2 - 23^2 और इसको ए माना जाए, इसको बी माना जाए, तो फॉर्मूला हो जाएगा, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला पर आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका माइनस फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ए का मान कितना है 24, प्लस है तो प्लस क्या चीज, बी का मान कितना है 23 इंटू ए का मान फिर यहाँ 24 माइनस तो माइनस, अभी का मान कितना है 23 से 23 हो गया। ठीक है, 24 से 23 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। 24 में से 23 घटे कितना होगा 1 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 47 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार बी है 102^2 - 1^2 = कितना होगा। तो इसको क्या करेंगे, एक बार जोड़ लेंगे 102 + 101 इंटू 102 और माइनस 101 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 203 हो जाएगा। ठीक है, गुणा 102 में से 1 से घटेगा तो कितना होगा 1 होगा, यानी 203 में 1 से गुणा होगा तो 203 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 203। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी है 501^2 - 500^2 = कितना होगा। इसको क्या करेंगे, एक बार जोड़ लेंगे और एक बार घटा लेंगे, ठीक है, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1002 हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना होगा 1 हो जाएगा, यानी 1002 में 1 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 1002 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी है 400^2 - 399^2 = ठीक है, तो यहां क्या करेंगे, एक बार जोड़ लेंगे और एक बार घटा लेंगे। ठीक है, 400 और 399 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 799 हो जाएगा, गुणा 400 में से 399 घटाएंगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 799 में 1 से 799 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।